हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की डेट आ गई है जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बस आप अपनी तैयारी को पूरे एकदम पीक पर पहुंचा दीजिए, जितना हो सके दम लगा दीजिए, जितनी ताकत है लगा दीजिए, क्योंकि जितना आप अब आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम से पहले जितना पढ़ जाएंगे एग्ज़ाम में आंसर टिक करने में उतनी ही आसानी होती है। इसके पहले आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मैटर नहीं रखता है। अब आप एकदम शुरू से भी अपनी तैयारी को पूरा एकदम एंड तक पहुंचा सकते हैं और एग्ज़ाम में आपका एक रैंक हासिल हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या हम पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर से हम चीज़ों को रिलेट करेंगे और करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट आएंगे, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री आएगा उससे रिलेटेड, और उसके बाद ये पॉलिटी, जो भी या तो पॉलिटी हो गया या मतलब जो भी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड मिलेगा वहाँ से उसको एकदम पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये एक एज ए रिवीजन है, जैसा कि मतलब इसमें सिर्फ रिवीजन के ही पर्पज़ से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं। हाँ, बीच बीच में ऐसा नहीं कि उसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझाया जाएगा, समझाने का तरीका वो तो आप देख लीजिएगा कैसा है कैसा नहीं है, और उसको आप कमेंट में तो ज़रूर बताएगा कि समझाने का तरीका कैसा है। तो चलिए ज़्यादा कुछ डिस्कस किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ग्लोबा एंडरसोनी नामक एक दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधे की प्रजाति को लगभग 136 वर्षों के बाद पुनः किस राज्य में खोजा गया? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं और आप ये जो आप मतलब जो आंसर है इसको आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, सिक्किम, नागालैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। तो ये इस पौधे को डांसिंग लेडीज या स्वान फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से तिस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें सिक्किम एवं दार्जिलिंग पर्वत आता है, सिक्किम हिमालय एवं दार्जिलिंग पर्वत आता है। तो एक्चुअल में इस फ्लावर को लगभग 150 साल पहले देखा गया था, उसके बाद से कई सालों तक इसको नहीं देखा गया, इसलिए इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। एक्सटिंक्ट का मतलब हो जाएगा गया, इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब सिक्किम के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। जितने भी पॉइंट हो सकता है उस पॉइंट को यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो पहले तो उस प्लांट को दिखा देते हैं कि वो प्लांट दिखता कैसा है। ये ग्लोबा एंडरसोनी प्लांट है जो कि डांसिंग लेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है और येलो स्वान फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब स्वान फ्लावर है या येलो स्वान फ्लावर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसका फिगर या पिक्चर भी दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम देखते हैं, सिक्किम कहाँ है? तो सिक्किम जो है ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटक है। सिक्किम के अगल बगल में कौन कौन से, देखिए सिक्किम के इधर ईस्ट में क्या है, ईस्ट में भूटान है, फिर भूटान उसके बाद ये ऊपर यहाँ से लगा था कि ये पूरा क्या है, तिब्बत यानी चाइना का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में नेपाल है। तो अगर सिक्किम से पूछा जाए कितने देश बॉर्डर शेयर करते हैं तो तीन देश। ठीक है, और सिक्किम से कितने, इंडिया के कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है जो सिक्किम से इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है, और वो कौन सा है, ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यहाँ एक पतली सी गलियारा टाइप करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा वेस्ट बंगाल का पार्ट है, जहाँ तक ये आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मे बी। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से ये वाला वेस्ट बंगाल, यहाँ पतली गलियारा टाइप से जाते हुए यहाँ ये ऐसे ऐसे, और यहाँ तक ये जो है ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। वेस्ट बंगाल जो है वो असम, यानी वेस्ट बंगाल इधर, ये असम, असम से भी वो क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो हमें इतना अभी इधर तो नहीं जाना है, तो बस इसमें यहाँ हो गया। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में और क्या बताया जा सकता है। तो ये रहा उसका, यानी सिक्किम का ये मैप जो रेड कलर का यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में, ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का कैपिटल क्या है? तो सिक्किम की कैपिटल तो बता चुके हैं, गंगटक है। ठीक है, इसके अगल बगल में और यहाँ पर डोकलाम वगैरह भी हैं, तो वो सब बात की बात है, उसको अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब डोकलाम वाला पॉइंट आएगा तो वहाँ पर इसको एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम विकिपीडिया से इसको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कंचन, यानी सिक्किम में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा, और ये है कहाँ, इसको हम दिखाते हैं आपको। कंचनजंगा जो है यहाँ पर है, जहाँ पर ये दिख रहा, और ये दोनों यानी नेपाल और सिक्किम दोनों में कंचनजंगा का जो है वो माउंटेन है, यानी दोनों में है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए, अगर ये पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया,
अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक इन इंडिया यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप आंसर में कह देंगे कंचनजंगा देंगे। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप आंसर में कह देंगे कंचनजंगा देंगे। पहला पूछेगा तो आप आंसर क्या दे देंगे, तो पहला पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, दूसरा पूछेगा तो दूसरा केटू है, जो कि इस केटू भारत में ही है लेकिन इस समय उस पर चाइना अपना अधिकार जता रहा है। कहने का मतलब यह है कि वो डिस्प्यूटेड एरिया में हो गया है, इसलिए अब आप उसको आंसर नहीं दे सकते कि इंडिया की हाईएस्ट पीक, अगर हाईएस्ट पीक इन इंडिया पूछे यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो आप केटू नहीं टिक कर सकते हैं, आपको कंचनजंगा टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें कौन कौन से कंचनजंगा हो गया। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यानी बहुत से ऐसे साइट हैं, यूनेस्को क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनेस्को का क्या है, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज यानी जो भी है विश्व में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको क्या कहता है, संरक्षण प्रदान कराता है। ठीक, तो अभी इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, और इसमें देख लेते हैं और क्या है। तो इसमें इतना हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह हो गया इसका, अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हुआ। ठीक है, तो बस इसमें और आगे देखते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, गवर्नर कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्टेट में गवर्नर गंगा प्रसाद हैं, यानी सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो कौन है, गंगा प्रसाद हैं। और ये गंगा प्रसाद की आपको फोटो दिख रही होगी, स्टेट में गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद हैं। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में तो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और ये एसएससी में भी पूछा जाता है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ये है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ये कौन है, इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो सिक्किम के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, यूनिकैमरल का मतलब क्या है कि यहाँ विधानसभा और विधान परिषद, यानी विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 32 सीटें हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसे 7 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उस 7 राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 1 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं सिक्किम का, तो लोकसभा में भी सिक्किम का 1 ही सीट है। ठीक है, हाईकोर्ट क्या है, सिक्किम हाईकोर्ट है। चलिए ठीक है, इसमें और यहाँ से देख लेते हैं क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला है। ठीक है, अगर आप और इसको डिटेल में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ का एक रेड पांडा है, इसको याद कर लीजिएगा। रेड पांडा कहाँ का है, सिक्किम का ये एनिमल है। ठीक है, स्टेट एनिमल रेड पांडा है। और वर्ल्ड में फ्लावर में अगर देखना है, तो और इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें देखते हैं क्या डिस्कस करने वाला है। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्कस कर रहे हैं इसमें टीटुलर। ठीक है, यहाँ पर और कुछ हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए रखे थे। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है। एनेक्जेशन के बारे में देख लेते हैं, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया, तो सिक्किम को भारत में 1975 में मिलाया गया। 1975 में क्या किया गया, 1975 में इसको भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और वहाँ पर किस तरह से इसको मिलाया गया, तो जनमत सहमत द्वारा इसे क्या किया, जनमत सहमत कराया गया, जिसमें से 97.5% लोगों ने वोट भारत में मिलने के पक्ष में दिए, और इसी हिसाब से इसको क्या किया गया, 1975 में ये भारत का 22वां स्टेट बन गया, और इसको भारत की पहली सूची में जगह मिल गई। कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे, तो सबसे पहले अमेंडमेंट हुए थे 35वां अमेंडमेंट हुआ था, 35th अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें सिर्फ उसे अभी एसोसिएट का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, मतलब इसे अभी पूर्ण रूप से इसे स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया था। लेकिन बाद में उसी साल यानी 1975 में ही 1975 में ही 36 अमेंडमेंट करके इसे भारत के 22वें राज्य के रूप में पूरा इसे मतलब उसमें दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें और क्या कुछ डिस्कस करने वाला है। अच्छा, ज्योग्राफिकल पोर्शन में आते हैं, तो इसके यानी सिक्किम के जो ज्योग्राफिकल पोर्शन है ये क्या है, तो सिक्किम में यानी कंचनजंगा के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, और ये रंगीत क्या होता है, रंगीत का मतलब
इससे रिलेटेड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तीस्ता रिवर के बारे में यहाँ पर दिख रहा है, तो तीस्ता रिवर क्या है, तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तीस्ता तिब्बत से निकलती है, सिक्किम में एंटर करती है, सिक्किम से होते हुए चली जाती है सीधा बांग्लादेश में, बांग्लादेश में अब सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वेस्ट बंगाल में भी आएगी, क्योंकि भाई वहाँ बीच में वेस्ट बंगाल है, तो सिक्किम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से सीधा जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर वो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ये थोड़ा इसको एनेक्सेशन के बारे में हो गया, ठीक, इसको फर्स्ट शेड्यूल में रख लिया गया, ये भी सब बता चुके हैं। उसके बाद से ज्योग्राफिकल पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, तो इसमें देखो ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, कम से कम कितने माउंटेन पीक हैं, 28 माउंटेन पीक हैं, तो हम सब तो याद नहीं कर सकते हैं, 80 ग्लेशियर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स भी हैं, तो सब ग्लेशियर्स भी नहीं याद कर सकते हैं। इसमें कुछ खास ग्लेशियर रहेंगे जो कि मैं जिसको मैं बताऊँगा, फिर उतना ही याद करना है, फिर बाद में और ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, जैसे जैसे मतलब अगर सेकेंड टाइम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा उसको और ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करने के लिए हैं। ओके, थोड़ा सा अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं। और ये इसका डिवीज़न है, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, इतना चीज़ें हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, और तो लगता है कि हमें इसमें कुछ नहीं देखना हैगा, बस हो गया इसमें डिस्कशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, G4 वायरस की खोज किस देश में की गई? तो G4 क्या है, एक वायरस है, ठीक है, इसको अगर वायरस से रिलेटेड, ये रहे चार ऑप्शन, जापान, रूस, चीन, भारत, तो ये चार ऑप्शन हैं। तो G4 वायरस की खोज, आंसर क्या हो जाएगा इसका, चाइना हो जाएगा, यानी चीन में इसको ढूंढा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस जीफोर वायरस की खोज की गई है, जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। इस समय भी चाइना के ही वजह से बहुत सारे लगभग सभी देशों में की तबाही मची है, कोविड-19, जो कि पूरा 2020 इसी कोविड-19 के ही चक्कर में चला गया। ठीक है, तो एक उसी बीच में एक और वायरस, मतलब ये जुलाई कब की बात है, लगभग जुलाई की ही बात है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि नया G4 वायरस H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है, जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार था। H1N1 ये स्वाइन फ्लू का टाइप है, इस तरह से और भी कई टाइप हैं स्वाइन फ्लू के, H1N1, H1N2, H2N1, ऐसे बहुत सारे टाइप हैं स्वाइन फ्लू के। तो थोड़ा सा अब इसमें G4 वायरस के बारे में हम आपको दिखा देते हैं कि ये G4 वायरस क्या होता है, किससे मिलता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं G4 वायरस के बारे में। तो ये G4 वायरस का एक पिक्चर है, मतलब फ़ोटो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, फ़ोटो दिख रहा होगा आपको, H1N1 दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि किसके थ्रू फैलता है, तो ये यहाँ पर यानी सुअर जो होते हैं, उन पिग, इन इनमें रिसर्च किया गया, इनमें इस वायरस का पता चला, तो इसमें इसी के बारे में डिस्कस वहाँ पर बताया गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं इस वायरस के बारे में क्या क्या चीज़ है इसमें। तो इसका आने इसेरिसिया वायरस G4 इज अ बैक, इसके सिंथेटिक G4, मतलब इसमें और कुछ खास डिस्कस करने वाला नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कील बैक किस जानवर को कहते हैं? तो असम कील बैक है क्या? असम कील बैक एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये सांप है। ठीक है, असम कील बैक क्या है? सांप है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चलिए आपको दिखा देते हैं, असम कील बैक दिखता कैसा है। तो ये असम कील बैक है, ठीक है, ये दिख रहा है, येलो टाइप का दिख रहा है, ये भी बहुत दिनों बाद मिला है, इसके पहले
ये भी विलुप्त हो गया था। तो इसलिए ये चर्चा में है। और ये कील बैग क्या है कि, तो कील बैग एक पहले जिस जगह पर सांप ये मिला है उस समय वहाँ के, यानी पहले जब सबसे पहली बार ढूंढा गया था तो वहाँ पर वो एक कलेक्टर थे, उनका नाम ऐसे ही कुछ था, कील बैग से रिलेटेड था, तो उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पड़ा है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो असम के बारे में चलिए डिस्कस कर लें, कील बैग के बारे में, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा बता देते हैं। ओहो सॉरी, असम कील बैग दिख नहीं रहा होगा। चलिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में और बता देते हैं, फिर उसके बाद से असम कील बैग को आपको दिखा देंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि क्या है। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक टीम ने वर्ष 2018 में असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पोबा रक्षित वन क्षेत्र के पास सांप की एक प्रजाति असम कील बैग को पुनः खोजा था। असम कील बैग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एम्फियस्मा पीली, एम्फियस्मा पीली। तो ये पीली जो नाम है यहाँ पर, ये एक वहाँ के जो कलेक्टर थे उस जगह पर जब सबसे पहले इस सांप को ढूंढा गया था, उन्हीं के नाम पर इसको इसका नाम रखा गया। ठीक है, एस एम्फियस्मा, एम्फियस्मा पीली। ठीक है, तो एम्फियस्मा पीली इसका वैज्ञानिक नाम है। ये गोवा नहीं, ये पोबा आरक्षित वन क्षेत्र है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। तो चलिए पहले हम पोबा वन आरक्षित क्षेत्र को दिखा देते हैं, फिर उसके बाद से पोबा आरक्षित वन क्षेत्र दिखाते हैं। ये कहाँ से आ गया, चलिए इसको बंद करते हैं, पहले इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो पोबा वन आरक्षित क्षेत्र आपको पहले दिखा देते हैं। तो ये पोबा वन आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये है कहाँ, तो यहाँ पर दिख रहा होगा असम, और असम और किसके बॉर्डर पर है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर कर दिखा देता हूँ। तो ये असम और ये किसका बॉर्डर है, ये पोबा है। देखिए ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये असम, ये देखिए इसके इधर असम है, इसके इधर क्या है, वो है अरुणाचल प्रदेश है। तो ये पोबा हो गया। ठीक है, पोबा यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में है, यहीं पर, यहीं के जंगल में फॉरेस्ट है, यहीं के जंगल में क्या हुआ था, इस सांप को फिर से ढूंढा गया है। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं तो एक ये आपको दिख रहा होगा, एक इस एक लैंड जमीन दिख रहा है जिसकी चारों तरफ से देखा जाए तो पानी ही है, इधर से भी नदी बह रही है। और ये नदी कौन सी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, इसके देखिए इस साइड से भी, ये पर जहाँ एरो जा रहा है इधर से भी नदी है, यानी चारों तरफ से नदी है। तो इस तरीके से ये एक आईलैंड की तरफ से हो गया और नदी के बीच में है, इसलिए इसे रिवर आईलैंड के नाम से, यानी नदी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये है क्या, तो ये सैखोवा नेशनल पार्क है। ये कौन सा है, सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क, आप सुने होंगे इसका नाम। तो ये डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क है। कहाँ है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये रहा सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए थोड़ा सा असम के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो असम के बारे में पहले हम असम का फोटो दिखा देते हैं, और असम के अगल बगल में कौन कौन से स्टेट हैं उनको दिखा देते हैं। तो ये रहा असम, रेड कलर का जो दिख रहा है ये असम है। ठीक है, असम के ऊपर देखा जाए तो असम के ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, असम के ऊपर कौन सा है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। और असम के बगल में इस साइड पूरब में देखा जाए तो एक ये भी है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है। जस्ट अरुणाचल प्रदेश के नीचे आते हैं तो ये नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर के जस्ट नीचे आएंगे तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इधर हो गए। और इसके नीचे जस्ट नीचे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, मेघालय है। ठीक है, अब मेघालय के नीचे ये वाला जो व्हाइट कलर के यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये क्या है, ये वेस्ट बैंक, सॉरी बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि असम से कितने राज्य, भारत के कितने राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के, उसको से नीचे आ जाएंगे तो नागालैंड, दो हो जाएगा जस्ट उसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, नागालैंड के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी नागालैंड के नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर उसके बाद से आ जाएगा ये त्रिपुरा, कितने हो गए, और ये मेघालय। यानी 1 2 3 4 5 6, और ये वेस्ट बंगाल भी असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। चलिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये असम का पार्ट है ये वाला, यहाँ से, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ पर ये दिख रही है ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो यहाँ से एक वैली टाइप बन गया है, क्योंकि वैली क्या होता है, चलिए वैली मतलब थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, वैली क्या होता है, वैली कहाँ चला गया,
तो ये होता है वैली, वी शेप का होता है वैली, वी शेप। अच्छा वैली और गॉर्ज में अंतर क्या है? देखिए वैली भी वी शेप का होता है और गॉर्ज भी वी शेप का होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो वैली क्या होता है, वैली का जो वी शेप है, यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा, यानी ये वी शेप है तो ये थोड़ा मतलब इसकी जो ढलान होती है, वैली की जो ढलान होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है कहने में। और जो गॉर्ज का जो ढलान होता है, गॉर्ज का ढलान होता है यानी स्लोप जो होता है वो एकदम एकदम स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एकदम स्ट्रेट है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट गॉर्ज है, यहाँ से गिरने के बाद सीधा पानी में ही आएंगे। वैली क्या होता है कि एक तरह से सीधे सीधा क्या है कि कहने का मतलब यह है कि आप उसमें रह भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बस्तियाँ बनाई गई हैं, रह भी जा सकते हैं। तो ये वैली यहाँ से, ये भी नदियों के द्वारा ही बनता है, गॉर्ज भी नदियों के द्वारा ही बनता है, लेकिन गॉर्ज क्या होता है वो उसकी जो ढलान होती है वो एकदम सीधी सीधी होती है, जैसे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा गॉर्ज, ठीक है। तो वैली और गॉर्ज में यही डिफरेंस है। गॉर्ज क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, उसका जो ढलान होता है एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक, नदी के द्वारा बनाया जाता है। और वैली, वैली का ढलान जो होता है वो कम होता है, दोनों भी शेप में ही होते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ से ये हो गया, अब आते हैं और देखते हैं क्या इसके बारे में है। तो असम के बारे में हो गया, थोड़ा सा और कुछ फैक्ट देखते हैं। तो असम सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो कैपिटल है वो क्या है, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है, ठीक। असम की कैपिटल दिसपुर है। एक मिनट, थोड़ा सा नेट चला गया है, जस्ट वेट अ मिनट, आ गया होगा। हाँ ओके ठीक है। तो ये कैपिटल इसका कौन सा है, दिसपुर है, ठीक। और लार्जेस्ट सिटी देखें तो गुवाहाटी है। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें क्या क्या याद करना है, 33 डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद से 30 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, ठीक। गवर्नर जी के फ़ोटो देख लीजिए, कौन है ये, जगदीश मुखी हैं, बीजेपी के हैं इस समय, बीजेपी के, ये बीजेपी के मतलब वो हैं, पार्टी से हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये भी बीजेपी से ही हैं चीफ मिनिस्टर, कहाँ के, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ पर भी यूनिकैमरल होता है, यूनिकैमरल का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही होगी, विधान परिषद नहीं होगी। मैंने कमेंट में आपसे पूछा कि किस किस राज्य में टोटल 7 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो कौन कौन सा वो राज्य है, कमेंट में आप उसका नाम बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 7 सीटें राज्यसभा में। इस समय एग्जाम में ये सीटें राज्यसभा और लोकसभा पूछी जा रही है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिए। तो कौन कौन से पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, अगर आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पहले जितने पॉइंट बताए हैं अगर वो एकदम 100% याद हो गया तो फिर आप अपने उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऐड करते रहिएगा। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 14 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। और इसमें कुछ हाई कोर्ट क्या है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से स्टेट का, यहाँ पर मतलब कौन कौन से स्टेट की सुनवाई होती है, गुवाहाटी हार्ट को हाई कोर्ट में कौन कौन से स्टेट की सुनवाई होती है, ठीक है, वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो और इसमें देख लेते हैं कुछ है बताने वाला, चलिए ठीक है। यहाँ का डांस देख लेते हैं, क्या है, बिहू यहाँ का डांस है जो कि बहुत फेमस है, और भी बहुत सारे डांस हैं उसको मैं बताऊंगा, कम से कम 8-10 डांस मैं बता दूंगा, याद करा दूंगा, तो उसको अभी बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा जो जो मेन चीज़ें हैं, जब इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे तो थोड़े और इसको एक्स्ट्रा बताते चलेंगे। वैसे इसमें डिस्कशन एकदम पूरे ब्रॉड हो गया एकदम चीज़ों, क्योंकि ये रिवीजन पर्पज़ से इस बैच को स्टार्ट किया गया है, तो इसमें ये नहीं है कि थोड़े बहुत पढ़ा जाएगा, इसमें जितने हो सकता है जितने पॉसिबल है उतनी चीज़ें इसमें लेकर चला जाएगा साथ में, ठीक है। इसका क्या, वन हॉर्न राइनोसोरस, इसका मैमल क्या है, ये गेंडा है, ठीक है। बर्ड, बर्ड के बारे में फ्लावर हो गया, चलिए ठीक है। और कुछ इसमें देख लेते हैं और क्या चीज़ें इसमें हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ठीक। ज्योग्राफिकल पोर्शन पर आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिक के पोर्शन पर थोड़ा इससे पहले देख लें और कुछ है क्या डिस्कस करने वाला। एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि देख लेंगे साथ में, देखते रहेंगे, ऐसे कोई पॉइंट मिलेगा उसको मैं समझाता चला जाऊंगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसमें ठीक है, अब आते हैं नेशनल पार्क देख लेते हैं, कौन कौन सा नेशनल पार्क है। इसमें 2-3 नेशनल, मतलब बहुत नेशनल पार्क है, लेकिन बहुत नहीं है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, चलिए इसको मैप में दिखा देते हैं। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके।
अब इसके बाद से और कौन सा नेशनल पार्क, एक देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, और कौन से कहाँ चला गया, हाँ काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, दो चीज़, एक डिब्रूगढ़ सैखवा नेशनल पार्क। तो तीनों नेशनल पार्क को हम मैप पर दिखा देते हैं तीनों कहाँ। तो ये तो काजीरंगा नेशनल, सॉरी मानस नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क हो गया, और काजीरंगा नेशनल पार्क। थोड़ा सा और जूम करके इसको दिखाते हैं ताकि और अच्छे से इसके विजिबिलिटी बन पाए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद उसके बाद एक ये बताएं, यहाँ से जो छोटा सा ये दिख रहा होगा जहाँ पर आपको ये कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा है, तो ये जो छोटा सा आइलैंड बताती है ये डिब्रूगढ़ सैखवा नेशनल पार्क है, दो बताती है, और एक यहाँ पर नेशनल पार्क है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है। चलिए उसको भी दिखा देते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एक्चुअल में कहाँ है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें देखिए तीन दिखा चुके हैं, एक यहाँ दिखा दिए, एक इधर मानस दिखा दिए, और एक यहाँ पर डिब्रूगढ़ दिखा दिए। तो तीन नेशनल पार्क यहाँ पर आप याद रखिएगा कौन कौन से, काजीरंगा, मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड डिब्रूगढ़ सैखवा नेशनल पार्क, ठीक है, तीन नेशनल पार्क हो गया, ओके। और यहाँ से और कौन से पॉइंट कुछ देखते हैं, अच्छा रिवर को वगैरह, ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, एटाइमोलॉजी वगैरह हो गया, नहीं नाम से कैसे नाम पढ़ा था क्या पढ़ा था वो हमको नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, अब बाई चांस पूछ ले तो कोई दिक्कत, उसमें कितनी चीज़ें सबको याद करेगा। चलिए ठीक है, वैसे हो सके जितना पॉसिबल, जितनी चीज़ें पॉसिबल है आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये पास वगैरह के बारे में देखते हैं, और देखते हैं कौन सा पॉइंट है, मेडिवल एरा वगैरह ये सब नहीं याद करना है, कॉलोनियल एरा ये सब नहीं याद करना है, ये हिस्टोरिकल पार्ट हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एंग्लो बर्मिज वॉर, नहीं इसको भी रहने देते हैं, बस ज्योग्राफी भी डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा ज्योग्राफी में इसमें देख लेते हैं, गॉज के बारे में बता दिए हैं, और क्या है इसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया है, बस इसमें इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं और कितने अच्छे से इसको और अच्छे से कितना बनाया जा सकता है, तो बस अब इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।